हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द तृप्ति क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का ही आगे टॉपिक लेंगे और चैप्टर नंबर हमारा होगा ये फिफ्थ, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने लॉ ऑफ डिमांड लास्ट चैप्टर में कवर किया। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड भी हमें यही बताता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद द चेंज इन प्राइस। अगर हम थोड़ा सा भी प्राइस के अंदर चेंज करते हैं तो हमारे क्वांटिटी में चेंज आता है। दैट शोज द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बताता है, डायरेक्शनल स्टेटमेंट बताता है, वो हमें क्वांटिटेटिव मटेरियल के बारे में नहीं बताता कि कितनी क्वांटिटी से चेंज आया है। लॉ ऑफ डिमांड हमें बेसिकली ये चीज बताता है कि क्वांटिटी के अंदर क्या चेंज आया वो नहीं बताएगा, सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएगा कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को कंज्यूम करने की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। उसी तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेसिकली शोइंग द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो वो हमें हमेशा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बताता है कि क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। अगर हम प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें कितनी क्वांटिटी परचेज किया है, तो वो हमारे बीच में जो रिलेशनशिप शो करेगा वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही शो करेगा। नेक्स्ट, अगर हम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन की बात करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो वो क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या शो कर रहा है, चेंज शो कर रहा है। किस टाइप का चेंज है, क्वांटिटी के अंदर जो गुड्स का जो वेरिएशन आ रहा है, गुड्स का जो चेंज आ रहा है, जो हम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से आ रहा है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स की वजह से आ रहा है, और चेंज इन कंज्यूमर इनकम की वजह से आ रहा है। यही हमने स्टडी किया था कि प्राइस ऑफ गुड्स का जो क्वांटिटी का जो चेंज है वो प्राइस की वजह से चेंज होगा। तभी तो हमने डिमांड्स कितनी की थी, डिमांड की बात करें, लॉ ऑफ डिमांड में टाइप्स ऑफ डिमांड्स की थी हमने, किसकी वजह से की थी, एक तो जो क्वांटिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो प्राइस की वजह से आएगा, दूसरा जो रिलेटेड गुड्स है उसके साथ, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, उनकी वजह से आएगा, या इनकम ऑफ कंज्यूमर के जो है वो वेरिएशन आ जाता है, इनकम चेंज हो जाती है, इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से भी डिमांड्स में और क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा। तो बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हमें यही चीज बता रही है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज बता रही है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसकी वजह से क्वांटिटी के अंदर चेंज आ रहा है, चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स, जो गुड्स की बात कर रहा है, जिसकी क्वांटिटी ये बात कर रहा है उसी के प्राइस ऑफ गुड्स की वजह से चेंज आ रहा है, और प्राइस ऑफ अदर गुड्स यानी कि उसके सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से चेंज आ रहा है, कि उसके प्राइस में चेंज हुआ तो हमारी उस अकॉर्डिंग क्वांटिटी और क्वांटिटी ऑफ गुड्स हमने रिड्यूस कर दिया या इंक्रीज कर दिया। उसी तरीके से हमारी इनकम में, अगर जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसकी इनकम में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, उसकी अकॉर्डिंग हमारी क्वांटिटी में भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। बेसिकली इसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर भी हमारे क्या होते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी थ्री टाइप्स की इलास्टिसिटी होती है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कंज्यूमर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम क्या ले रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ले रहे हैं इस वीडियो में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर हम ये भी डेफिनेशन ले सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस। तो दोनों ही डेफिनेशन सही है, कोई भी आप डेफिनेशन लर्न कर सकते हो, किसी भी बुक में से लर्न कर सकते हो, सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है कि प्राइस क्वांटिटी डिमांड कब हो रही है, चेंज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब हो रहा है, जब प्राइस में चेंज आ रहा है, चाहे वो परसेंटेज ऑफ प्राइस में चेंज आ रहा है। वहां पे लॉ ऑफ डिमांड में हमने परसेंटेज के बारे में नहीं स्टडी किया, हमने उसकी क्वांटिटी के बारे में स्टडी नहीं किया, हमने सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज बताया। यहाँ पे हम इंक्रीज और डिक्रीज के साथ उसकी वैल्यूज भी बता रहे हैं कि कितना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चेंज आएगा। जैसे हमने क्वांटिटी यहाँ पे ले रहे हैं, अगर हमारी जो प्राइस हमारा रिड्यूस हो जाएगा,
अगर हम वैल्यूज की बात करें, प्राइस हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तब हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे। प्राइस रिड्यूस हुआ तो क्वांटिटी में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मान लो जो प्राइस है हमारा 10 रुपीज रिड्यूस हो गया, 10 रुपीज रिड्यूस हो गया तो क्वांटिटी में 20 इंक्रीज हो गया, तो उस बेसिस में जो यहाँ पे जो साइन आएगा यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा। इसलिए ये नेगेटिव साइन और विद ये नेगेटिव साइंस दोनों नेगेटिव साइंस क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव साइन बन जाएंगे और हमारी जो क्वांटिटी आ जाएगी वो पॉजिटिव के अंदर आ जाएगी। इसीलिए हम डायग्राम में कभी भी नेगेटिव शो नहीं करते हैं। जब हम डिग्री की अब बात करेंगे आगे, डायग्राम में कभी नेगेटिव शो नहीं करते हैं, सिर्फ जो हमारी जो वैल्यूज निकालनी होती हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज किया जाता है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। उसी तरीके से जब हम इसके डिग्रीज की बात करते हैं, बेसिकली इसको 5 डिग्री में डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड से ही मतलब से ही समझ आ रहा है कि इतना ज्यादा इलास्टिक है कि स्लाइट वेरिएशन आएगा प्राइस में। अगर मान लो जो 5 रुपीज की चीज थी वो 6 रुपीज की होगी, अगर स्लाइट वेरिएशन आ रहा है, थोड़ा सा ही वेरिएशन आ रहा है, तो एकदम से जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। इन्फिनिटी का मतलब है कि उसमें जीरो हो जाएगी हमारी जो इन्फिनिटी है, कि उसमें इतना ज्यादा चेंज आ जाएगा, चाहे हम 10 यूनिट्स परचेज करें, चाहे हमारे 20 यूनिट्स परचेज हो, चाहे हमारे 30 यूनिट्स परचेज हो, तो हमारी जो एक पर्टिकुलर जो प्राइस है, चाहे हम कोई भी खरीद रहे हैं, तो हमारा जो वेरिएशंस है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि थोड़ा सा चेंज होने से, प्राइस के अंदर थोड़ा सा चेंज होने से बहुत मेजर चेंज आ जाता है, बेसिकली इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच इज इलास्टिक डिमांड, विच इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट इज अ आइडियल सिचुएशन बेसिकली। और ये बेसिकली कहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इंप्लीमेंट किया जाता है। जब हमारे बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, दे आर सेलिंग ए होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, उनके जो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं उनके पास और वो मार्केट में सेल कर रहे हैं, अगर एक सेलर थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज करता है प्राइस में, तो एकदम से क्वांटिटी डिमांड के अंदर बहुत मेजर वेरिएशंस आ जाता है। चाहे वो हम कितना भी ज्यादा हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा इलास्टिक है डिमांड, बहुत ज्यादा मेजर वेरिएशन आ जाएगा इलास्टिक के अंदर, दैट इज कम अंडर द जीरो तक हो जाएगी, और ये इलास्टिक जो हमारी जो डिमांड होगी वो जीरो तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब है, इन इलास्टिक मतलब कि कुछ भी चेंज नहीं आया, हमने 2 यूनिट से 4 यूनिट पर पहुंच गए, 4 यूनिट्स कब आए, 4 यूनिट ही परचेज कर रहे हैं हम, हमारे पास जो प्राइस है वो क्या और है, 2 से 4, 4 से 6, चाहे हम 2 यूनिट्स 2 रुपीज पे खरीद रहे हैं, चाहे हम 4 रुपीज पे खरीद रहे हैं, चाहे हम 6 रुपीज पे खरीद रहे हैं, तब भी हमारी क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, दैट इज 4 यूनिट। यानी कि हमारी यूनिट्स में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या आ रहा था, हमारी यूनिट्स में वेरिएशन आ रहा था, और इधर हमारे यूनिट्स में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा, जिस वेरिएशन की वजह से हम क्या कहेंगे, दैट इज इन इलास्टिक। इन इलास्टिक यानी कि जितना मर्जी प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज कर लो, कंज्यूमर ने तो वही क्वांटिटी परचेज करनी है। क्लियर। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी से नाम से क्लियर है, यूनिटरी मीन वन, यूनिटरी मीन्स वन। तो हमारी जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, जिसमें हमारी जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है या क्वांटिटी भी उस अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, सॉरी यहाँ पे जब हमारा प्राइस जब डिक्रीज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या कह रहे हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर जो टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आ रहा है वो हमेशा क्या निकलेगा, कॉन्स्टेंट एक्सपेंडिचर निकलेगा। यानी कि जो हम ये वाला पिक्चर देख रहे हैं, ये वाली जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है OP1 टू RC तक और OP टू TB तक, तो ये जो एरिया है ये दोनों क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। ये शो करता है
कि टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा कांस्टेंट रहता है इन अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर। एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको, बेसिकली ये क्वेश्चन आता है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में जो डायग्राम फॉर्म होता है वो क्या होता है, रेगुलर हाइपरबोला फॉलो किया जाता है। उसके कहने का मतलब है जो रेक्टेंगुलर एरिया है वो हमेशा सेम रहता है। रेक्टेंगुलर एरिया जो रहता है, जो एरिया हम लेते हैं वो हमेशा सेम रहता है, चाहे प्राइस में अगर हम चेंज करते हैं तो क्वांटिटी में भी नियर बाय उतना ही चेंज आता है। जैसे प्राइस चेंज किया वैसे ही क्वांटिटी में ही उतना ही सेम चेंज रहेगा, दैट इज इक्वल चेंज आर देयर इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो। नेक्स्ट कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इट इज ग्रेटर देन वन। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी कि ग्रेटर कैसे है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड से, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे ही टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज करता है, कब करता है, जब हमारी प्राइस को हम रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि पर यूनिट क्वांटिटी हमारी ज्यादा कॉस्ट की पड़ जाती है। जैसे ही हमने प्राइस को रिड्यूस किया, पी से पी वन ले गए प्राइस को, तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है टोटल एरिया, ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। ये मैं आपको दूसरे कलर पेन से शो करके बताती हूँ, ये वाला जो एरिया है ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा विद दिस एरिया, ये वाले जो एरिया से। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, तो ये वाले एरिया से इंक्रीज हो जाएगा, तो यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है विद रिड्यूसिंग इन प्राइस। क्लियर है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, दैट वॉज द फिफ्थ डिग्री, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक यानी कि ईडी इज लेस देन वन। ईडी जब हमारा लेस देन वन है, जब हम प्राइस में रिडक्शन कर रहे हैं, प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसी बेसिस पे हमारी जो टोटल एक्सपेंडिचर भी है वो भी रिड्यूस कर जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे रिड्यूस करेगा, जब आप ये डायग्राम देख रहे हैं, जैसे ही हमने प्राइस रिड्यूस किया, पी से पी वन पे आए, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी कि ये जो एरिया है, जो अपर वाले एरिया से क्या हो जाएगा, अपर वाले ये वाले एरिया से, टोटल कवर्ड एरिया से रिड्यूस कर जाएगा, यानी कि ओपी टीबी से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। पहले एरिया ज्यादा था, उसके बाद एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इन अ फिफ्थ डिग्री, दैट इज लेस देन इक्विटी, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर है सबको। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। थैंक यू क्लास।